हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा विविध पार्ट थ्री। आपने पार्ट वन देखा होगा, आपने पार्ट टू भी देखा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस बुक के साथ में ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आपने अब तक इस बुक को परचेज नहीं करा है तो मार्केट से जाके आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो को देखते हुए आप अपनी बुक को भी हाईलाइट करते चलें, या फिर किसी अदर पेन से, रेड, ग्रीन, ब्लू पेन से आप उसको अंडरलाइन करते चलें, क्योंकि वीडियो देखेंगे, हाथ में बुक होगी तो आपकी पढ़ाई में चार चांद लग जाएंगे। जी हाँ जी, चार चांद। तो पढ़ाई अगर करनी है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो ये आपका एज ए मान लीजिए कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कोई भी बुक नहीं है और आप कम्प्लीटली डिपेंड हैं एक यूट्यूब चैनल में, और आप सोचते हैं कि बस वीडियो वॉच करके मैं अपने नोट्स बना लूंगा तो सिलेक्शन हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, इम्पॉसिबल नहीं है, होगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। आप बुक को अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करने के बाद में उसको रिवीजन करेंगे डायरेक्ट बुक के साथ में, फिर A4 पेज लेकर के, ब्लैंक शीट लेकर के, उसमें अपने कितना पढ़ा वो पेन डाउन करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो आपका GS का जो आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो फिलहाल विदाउट एनी डिले मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। आज हम टॉपिक कवर करेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल और भारत के विश्व विरासत स्थल जो किसमें ऐड हैं, जो है यूनेस्को सूची में सम्मिलित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, हमको इसमें केवल याद रखना है जो संगठन इम्पोर्टेंट है। एक है आपका गेट, इसको गेट बोलते हैं। एक है आपका ADB, एशियन विकास बैंक। चलिए फिलहाल बताता हूँ मैं आपको। देखिए वहाँ पे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि जो गैट है, गैट का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको ये मुख्यालय याद रखना है कि गैट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका जिनेवा में। आप एक काम करना कि आपको अगर ये बुक में अपना टॉपिक नहीं मिल रहा होगा तो स्टार्टिंग में जो विषय सूची होती है वहाँ पे आप देख लीजिएगा ये, ठीक है। आपको वहाँ पे मिल जाएगा विविध, विविध का जो सेक्शन होगा उसमें आप सर्च करना विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, ब्रैकेट में लिखा होगा पेज नंबर, सीधे उस पेज नंबर पर आप क्लिक करना अपने बुक में, ठीक है। इतना तो आप आराम से सर्च कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर थ्री, एशियन विकास बैंक। तो ADB जो है कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ADB SSC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं Grade D, ठीक है, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ADB का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका मनीला में। कहाँ पर? मनीला में। उसके बाद हम बात करते हैं नाटो। नाटो का जो मुख्यालय है वो है आपका ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। और सार्क, सार्क की फुल फॉर्म क्या है ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपको सार्क की फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा वीडियो नंबर था वो। सार्क को अगर आप डायरेक्ट अपने गूगल पे सर्च मारेंगे फुल फॉर्म, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करके उसको याद कर सकते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, नेपाल वाला काठमांडू, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है बताने के लिए कि मैं डिटेल में गैट क्या था, स्थापना कब हुई थी वगैरह वगैरह। तो अगर मैं इतना डिटेल में आपको समझाऊंगा तो शायद ये बुक सही समय पर समाप्त ना हो पाए। कुछ बच्चों के कमेंट मेरे पास में आते हैं कि सर आप बस केवल पढ़ पढ़ के बताते हो, तो इतना तो पढ़ पढ़ के हम भी पढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि आप सभी समझदार हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कितना पढ़ना है आप सबको पता हो। अगर आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ओपेक, ओपेक जो है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना में। कहाँ पे? वियना में। उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद नहीं रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय वर्ष कब मनाया गया था। आप बस केवल लेटेस्ट जो अभी है आपका दलहन, कई बार पूछा गया है दलहन के साथ में आपका पूछा गया है मृदा वर्ष, अभी भी पूछ सकता है। ऐसी बात नहीं कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का अभी भी बन सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना है मृदा 2015 है और अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 था। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको कौन सा डे कब मनाया जाता है, ये चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए।
जैसा कि अब एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, आप कोई भी एग्जाम देखते होंगे या फिर आपने कभी रियल एग्जाम दिया होगा, कोई सा भी एग्जाम दिया हो चाहे आपने, ठीक है, मतलब अकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। यार आप बोलोगे मैं तो 8th क्लास का एग्जाम दिया था कभी, हाँ तो पूछा नहीं है मुझसे, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। चाहे आपने रेलवे का एग्जाम दिया हो, बैंकिंग का एग्जाम दिया हो, SSC का एग्जाम दिया हो, स्टेट PSC का एग्जाम दिया हो, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी आता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डेज आपको याद करने चाहिए पक्का। तो सबसे पहले जनवरी मंथ को हम लेके चलते हैं। जनवरी मंथ में आपको पता होना चाहिए 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। तो आपको एग्जाम में कभी कभी लुईस नहीं देगा, आपको सिंपल देगा ब्रेल दिवस, तो आपको पूरा ही याद रखना है लुईस ब्रेल दिवस। और अगला जो है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विवेकानंद के बारे में, ठीक है, विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लेता है, और कब, तो दोनों चीजें आपको साथ में देगा वो, राष्ट्रीय युवा दिवस ब्रैकेट में देगा 12 जनवरी। तो इस तरह से ऑप्शन वो क्रिएट करता है जो स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स GS पेपर 1 में, वहां ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे हम बात करते हैं थल सेना दिवस की, ठीक है। जो ये थल सेना दिवस है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है केवल 1, 3 और 4, मतलब 4 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, 12 को और 15 को। देखिए डेज को याद करने के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक वगैरह होती है, अगर आपको वो सब ट्रिक याद हैं तो इस वाले इतने सेकंड को इतने मिनट्स को आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है लेकिन ट्रिक आपको याद करनी है तो आप हमारे चैनल की शॉर्टकट GK की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इस डेज की एक शॉर्टकट की मिलेगी, याद कैसे करते हैं डेज को, कौन कौन से डे इंपॉर्टेंट है। कई बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं केवल उतने ही डे कवर करे गए हैं उसमें, ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। अब हम बात करते हैं आपसे 30 जनवरी के बारे में कि सही दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है सही दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। फिर हम बात करते हैं फरवरी मंथ में, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है फरवरी मंथ में, केवल एक ही डेज जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये जो डेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। मार्च में कुछ खास नहीं है, मार्च में केवल जल दिवस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए केवल यही आपको पढ़ना है। और विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। और आपको ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पता होगा कि शहीद दिवस जो भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस कब हुआ था, इनको फांसी कब लगाई गई थी, इनको लगाई गई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है, ये डेज आपको शायद पता होगा। तो ये तो खैर नहीं पूछता, बस ऐसे ही थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको मैंने बता दिया। बस जो येलो से हाईलाइट है ना, केवल आपको उतने ही हाईलाइट अपनी बुक में करने हैं और याद करने हैं। पृथ्वी दिवस देखिए मनाया जाता है आपका, पृथ्वी दिवस मनता है आपका 22 अप्रैल को, ठीक है। देखिए जल और पृथ्वी को आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, देखिए 22 मार्च के बाद अगला महीना क्या आता है, वो आता है पृथ्वी दिवस। जल कहाँ मिलेगा, अगर आपको जल ढूंढने जाना है, जल कहाँ मिलेगा, जल मिलेगा आपको पृथ्वी पर, ठीक है। आपको प्यास लगी तो सबसे पहले आप किसकी तलाश करोगे, जल की, और जल के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पृथ्वी के पास। तो जल के बाद आएगा आपकी पृथ्वी। तो 22 मार्च के ठीक एक महीने बाद क्या आएगा, 23 मार्च, तो सॉरी 22 मार्च के बाद अगला महीना कौन सा होगा, ये होगा 22 अप्रैल। तो इस दिन मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को, और रेड क्रॉस डे मनाया जाता है आपका 8 मई को। तो दोनों ही डेज इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको हाईलाइट करना। उसके बाद हम बात करते हैं, आते हैं जून में, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये मनाया जाता है 29 जून को। किसके जन्म दिवस पर? PC महाल नोबिस के जन्म दिवस पर। अभी जो हमने 12 जनवरी देखा था वो क्या था, विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता था, क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस। और सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका PC महाल नोबिस के जन्म दिवस पर, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनका नाम भी पूछ लेता है। तो आगे हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, करगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, ठीक है। युवा दिवस वो अलग था, वो था हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जो भारत के अंदर बनता है युवा दिवस, वो तो आपका 12 जनवरी था, लेकिन यहाँ पे 12 अगस्त वो बोल रहा है विश्व युवा दिवस। तो विश्व को भारत के साथ मर्ज नहीं करना है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्म दिन पर, और ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। राइट, बढ़े अक्टूबर की ओर, ठीक है बढ़ते हैं। देखिए, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, साक्षरता दिवस, और ये साक्षरता दिवस और शिक्षक दिवस में आप कंफ्यूज शायद हो सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो को, इसके बाद एक बार और प्ले करना बुक को, अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं तो वहाँ से उसको टैली करना, मतलब आपने जो हाईलाइट करे होंगे तो उसको बोल बोल के पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, मानक दिवस 14 अक्टूबर को, विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को, और बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस डायबिटीज डे, दोनों ही सेम डे बनते हैं, ये बनते हैं 14 नवंबर को। और यह है आपका विश्व एड्स दिवस, मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और झंडा दिवस 7 दिसंबर को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। अब हम बढ़ते हैं, पर्यटन स्थल कौन से कहां पर हैं, कहां पर स्थित हैं, और निर्माणकर्ता कौन है उसके। तो होने को देखिए बहुत सारे हैं, ये कम से कम आप लगा लीजिए कितने होंगे, ये 70, 80, 90, 11, देखिए इतने सारे 124 हैं टोटल। इसमें हम 124 में से पढ़ेंगे 24 भी ढंग से नहीं, ठीक है, 24 ही पढ़ेंगे, और ढंग से कितना पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने नोट्स बना रहे हैं, हाईलाइट कितना कर रहे हैं, ध्यान अगर आपका यहाँ वहाँ है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत करिएगा, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी आपकी मेरी दोनों की। पर्यटन स्थल जो है आपका वो है कन्हहरी की गुफाएं, स्थान है इसका मुंबई, और इसका निर्माण करता है बोध, बोधों के द्वारा क्या हुआ इसका निर्माण हुआ। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसका निर्माण करा था राष्ट्रकूट के द्वारा। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में, और एलोरा की गुफाएं दोनों ही क्या है औरंगाबाद में, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अजंता की गुफाएं हैं उसका निर्माण कराया था गुप्त शासकों ने, और जो एलोरा थी एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था बौद्धों ने, मतलब बौद्ध ने। विजय स्तंभ कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, और इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था महाराणा कुंभा ने। कुतुब मीनार दिल्ली में है, और इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मेहरगढ़ दुर्ग जोधपुर राजस्थान में, और निर्माणकर्ता कौन थे इसके, इसके थे निर्माणकर्ता राव जोधा जी। अब कभी कभी हमसे एग्जाम में कुतुब मीनार की हाइट पूछ लेता है, और हमको लगता है कि काफी टफ क्वेश्चन है, तो कुतुब मीनार की जो हाइट है एक्चुअली वो है 72.5 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं आरामबाग आगरा में, और इसको बनवाया था बाबर ने। लाल किला दिल्ली में है, और ये बनवाया था आपका शाहजहां ने। शीश महल आगरा में है, ये बनाया था आपका शाहजहां ने। आगरा में एक्चुअली मैक्सिमम जो भी चीजें हैं वो एक्चुअली बनाई थी शाहजहां ने, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि यार वो चीज कहाँ पड़ती है आगरा में, तो आप शाहजहां पे क्लिक करके आ जाना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विलियम फोर्ट कलकत्ता में, लॉर्ड क्लाइव ने बनाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, इसको बनाया था औरंगजेब ने। जंतर मंतर दिल्ली में है, इसको बनवाया था राजा सवाई जयसिंह ने। तो आपको एग्जाम में कभी कभी राजा सवाई नहीं देगा, आपको देगा एग्जाम में केवल जयसिंह, ठीक है। तो जयसिंह पे आपको क्लिक करके आना है, अपना मतलब राइट आंसर चूज करके आना है। साबरमती आश्रम बनवाया था ये है अहमदाबाद में गुजरात में, और ये बनवाया था आपका महात्मा गांधी ने। कहते हैं ना एक वो एक गाना भी है, देशभक्ति गीत भी है, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। तो ये साबरमती मतलब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या थे, हमारे देश के भगवान थे। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो है मुंबई में। देखिए इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में आप मर्ज कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया गेट है दिल्ली में, क्योंकि पूरे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है ना, तो इंडिया इंडिया मतलब भारत की राजधानी दिल्ली, तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, काफी बेसिक क्वेश्चन है ऐसे। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ये बनवाया था आपका जॉर्ज विट्ठल क्लार्क ने। तो आपको जे वी क्लार्क देता है वहां पे एग्जाम में, ठीक है। जे जे मतलब जॉर्ज, वी फॉर विट्ठल, क्लार्क, तो जे वी क्लार्क बोल सकता है या जॉर्ज विट्ठल क्लार्क बोल सकता है, तो आप ध्यान रखना इसका। जिम कॉर्बेट
पार्क जो है नैनीताल में, ये बनाया था आपका सर मेलकम हैले ने। इंडिया गेट नई दिल्ली में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। राष्ट्रपति भवन भी ब्रिटिश सरकार ने ही बनाया था। और ये कहाँ पर है, ये है आपका दिल्ली में। कोणार्क मंदिर, ये है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में, और ये बनाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने। स्वर्ण मंदिर का, स्वर्ण छत, मतलब जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में पंजाब में, तो उसकी आपने ऊपर का छत देखी होगी, गुंबद देखा होगा, वो कैसे है, वो सोने का है। तो वो सोने की छत किसने बनवाई थी? आपसे पूरा स्वर्ण मंदिर का निर्माण नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत, जो सोने की छत है गोल्डन, वो किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी आपके महाराजा रणजीत सिंह ने। जैन मंदिर अजमेर में है, और ये बनाया था आपका सेठ मूलचंद सोनी ने। शेर शाही मस्जिद पटना में है, बनवाई थी परवेज शाह ने। जामा मस्जिद आगरा में है, ये उत्तर प्रदेश वाला बात कर रहे हैं हम लोग। जामा मस्जिद एक दिल्ली में भी है, ठीक है ना, जामा मस्जिद एक दिल्ली में भी है। मस्जिद जितनी भी थी जामा के नाम से, वो बनाई थी शाहजहां ने, आप याद रखना किसने बनाई थी, शाहजहां ने। जामा मस्जिद अगर पूछेगा आपसे उत्तर प्रदेश में जो है वो किसने बनवाई थी, तो वो बनाई थी आपकी शाहजहां ने। अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पे ये मस्जिद के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। वहां पे आपको ये तो पक्का बोलेगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश भी आपको क्वेश्चन में बोल देगा, लेकिन पूछेगा आपसे शाहजहां का नाम, जो भी शासक रहा होगा उस टाइम पे, तो उसका नाम पूछेगा आपसे। तो जितने भी मस्जिद हैं, मस्जिद बनाई थी मैक्सिमम शाहजहां ने, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, ये भी बनाई थी आपकी शाहजहां ने। लेकिन मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली में पड़ती है, तो मोती मस्जिद किसने बनाई थी? मोती मस्जिद के बारे में पूछेगा तो वो बनाई थी आपकी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। कुछ चीजें हाईलाइट करने से छूट जाती हैं, तो अब याद रखना है उसको। हजरत बल मस्जिद, ये फिलहाल इसका निर्माण करता नहीं पता कुछ खास अभी, तो फिलहाल ये पूछेगा भी नहीं। आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, हाईलाइट मत करना इसको आप। अब हम बात करते हैं कि भारत के विश्व विरासत स्थल यूनेस्को सूची में कौन कौन से सम्मिलित हैं। भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो आगरा का किला कब बनाया था, ये सूची में जो शामिल हुआ था, कब बनाया था, नहीं है ये सूची में कब शामिल हुआ था, 1983 में, और ये किस राज्य में है, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ताजमहल और आगरा के किले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस कम ही है। अगर आप कभी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो आप ये दोनों चीज़ें साथ साथ देख सकते हैं। अजंता की गुफाएं जो है ये सूची में शामिल हुई थी 1983 में, और ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। अभी हमने ये सब चीजें देखी हैं, ताजमहल उत्तर प्रदेश में, और सूची में शामिल हुआ था ये 1983 में। महाबलीपुरम के स्मारक 1984, राज्य है इसका तमिलनाडु। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, लेकिन ये सूची में शामिल हुआ था 1984 में। सूर्य मंदिर 1984 में सूची में शामिल हुआ था यूनेस्को में, और ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। और मानस वन्य जीव अभयारण्य 1985, और राज्य है इसका असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985, और ये है राज्य आपका असम। सांची का स्तूप, ये शामिल जो हुआ था यूनेस्को सूची में, ये हुआ था 1989 में, और ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। हुमायूं का मकबरा 1993 में यूनेस्को सूची में शामिल हुआ था, विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था, और ये पड़ता है आपका दिल्ली में। कुतुब मीनार 1993 में, और ये पड़ता है आपका दिल्ली में। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखो इतने समय से बहुत ही छोटे छोटे नोट्स आपके बनवा रहा हूँ मैं, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक चीज़ और बस नोट कर लीजिएगा आप, लाल किला और जंतर मंतर। ठीक है, लाल किला यूनेस्को सूची में शामिल हुआ था 2001 में, और ये पड़ता है आपका दिल्ली में। जंतर मंतर जयपुर वाला, दिल्ली वाला नहीं है, जयपुर वाला है। हमको लगता है कि दिल्ली वाला होगा, लेकिन जयपुर वाला शामिल हुआ था यूनेस्को सूची में। ये कब हुआ था, 2010 में, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप विजिट करिए इस चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप चेक करिए वीडियो कौन कौन सी बुक के वीडियो इसमें अवेलेबल हैं। अगर लगता है कि आप लोगों के लिए ये चैनल यूज़फुल है तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा जरूर, और आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेटीएम के माध्यम से। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पेटीएम नंबर पर बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये पेटीएम नंबर पेटीएम के लिए बना है, ये कॉल के लिए नहीं बना है।
और अगर आपको कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मुझसे कोई भी डिस्कशन करना है, कोई बातचीत शेयर करनी है, तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपको मैं तुरंत रिप्लाई नहीं भी करूंगा, बट 4 to 5 days के अंदर मैं आपको रिप्लाई पक्का कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।